तो अब ओए तो ऐसे जाना है कुछ, मगर बिरवा के लग गई, मुझे लग रहा है लग गई ना। ना ना ना, ना, ना। डरावनी जगह है ना, भूत बंगला क्या है वो, हॉस्पिटल है। हाँ तो बिरवा कह रहा है जहाँ चीड़ फाड़ होती थी वहां जाते हैं, और बिरवा मुझे वहां से कह रहा है स्माइल स्माइल, हाँ मैं हंस रहा हूँ। तो सुबह सुबह का वक्त है, मैं और पठान हो गए हैं तैयार, और साथ में आ रहे हैं बीरू और उसके जीजा जी, और हम लोग जा रहे हैं देवी धुरा बग्वाल मेले के लिए। बाकी बीरू अभी आया नहीं है, उसी का इंतज़ार हो रहा है, नाश्ता कर लिया है। तो जैसे ही बीरू आता है फिर उसके बाद निकलते हैं। हाँ अभी नहीं आया है, बाकी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। और सुबह सुबह नेहा का काम चल रहा है हुतौर सुखाने का, और मम्मी का चल रहा है साफ सफाई वाला काम एकदम खतरनाक तरीके से। आह ये मुंह में क्या लगाया, पाउडर जैसा। तो जब तक बिरवा आता है तब तक हम बगीरा को बाहर निकाल लेते हैं, और अपना बैग हेलमेट जो है वो भी तैयार है, तो निकलते हैं एक बार नीचे रोड में। नया बाय बाय मम्मी। तो जाने से पहले एक बार मैं आमा को भी कॉल कर लेता हूँ, फिर आमा आएंगे मंदिर वाले धार के पास। तो चलो निकल रहे हैं, बाय। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ जर्नी, धन्यवाद। तो घर से हम लोग थोड़ा सा इधर आए थे, तो बीरू भी आ गया है, बाकी मौसम देख लो एक बार, बहुत बढ़िया लग रहा है। चल फिर बीरूआ, इसका भी पोपट हो गया, पहले इसके साथ इसके जीजा जी आ रहे थे, बाद में उन्होंने मुंह पे मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा तेरे को, जा रहा है तो जा। है बीरूआ मुंह पे मना कर दिया भाई, मुझे लगा जीजा खर्चा उठाएगा, फौजी जीजा था। हाँ मुझे लगा खर्चा उठाएगा, लास्ट में उठामा दे दिया। चल फिर चल चल ले। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही वहां पे आ गई है आमा हमेशा की तरह, बाय। तो आमा को भी बाय बाय बोल दिया है, और बीरू कह रहा है कि मेरा ब्लॉग स्टार्ट करवा दो। भाई मैं कैसे स्टार्ट करवाऊँ, तुझे खुद करना पड़ेगा। okay. गजब आदमी है। ओके जी, तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं थल में, और बगीरा में पेट्रोल भराने का काम मेरा हो गया है। बगीरा ने तो भाई नाश्ता भी, दिन का खाना भी, शाम का खाना भी कर लिया है, हमारा क्या होगा प्रधान जी, हो जाएगा। बाकी आज प्रधान जी मेरे साथ पहली बार आ रहा है, तो कैसा जैसा लग रहा है प्रधान आपको? डबल खुशी आज मेरे को। डबल खुशी क्यों है? स्कूल ना जाने की भी। घूमने जाने की भी। तो प्रधान को आज डबल खुशी हो रही है, स्कूल न जाने की खुशी भी है और घूमने जाने की भी खुशी है। मेरी संगत में रहेगा तो स्कूल रोज बंक करेगा। मजाक कर रहा हूँ भाई, स्कूल भी जाना है आज तो। खैर मतलब कल राखी की छुट्टी है, आज प्रधान ने छुट्टी ले ली है ना, छुट्टी ले ली थी ना, रोज छुट्टी है मेरी भी है। प्रधान कह रहा है रोज ही छुट्टी है मेरी। चलो जो भी है, आज तो फिलहाल प्रधान मेरे साथ आ रहा है। तो चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं माँ दुर्गा मंदिर ले घाटी में, और यहाँ पे एक बार टीका चंदन लगाते हैं, फिर अपने सफर को कंटिन्यू रखेंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़, और वहां पे गाड़ियां लगा दी हैं, और सबसे पहले दिन का खाना खा रहे हैं लुंडी भोजनालय में, जहां की मतलब बहुत ही बढ़िया खाना बनता है। भाई खाते समय फोन रख ले, खाना खा ले, देखो कितने प्यार से खा रहा है।
ओके जी, तो खाना पीना खा के हम लोग निकल गए हैं पिथौरागढ़ से, अभी हैं टनकपुर वाले हाईवे में। कैसा मजा आ रहा है इस वाली रोड में भाई? हमारे यहाँ ठेरी बेद भर के रोड, यहाँ मिल रहे दैल फैल, अंधाधुंध चल रहे हैं, जा रही गाड़ी ऐसी जा रही पता ही नहीं चल रहा, मजा आ रहा है ना। तो चलिए, खाना पीना बढ़िया बना था यार, मतलब जब भी हम यहाँ आते हैं ना पिथौरागढ़, तो लुंठी भोजनालय में खाना खाते हैं, बड़ा अच्छा सा लगता है। बाकी मौसम अभी हल्के फुल्के से बादल आ गए हैं और सफ़र तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। जैसा कि बीरो ने कहा ना कि हमारे यहाँ छोटी छोटी रोड होती है, मतलब पतली पतली, और हाईवे में आ चुके हैं टनकपुर वाले में, तो यहाँ और ही मज़ा आ रहा है, अलग ही मज़ा आ रहा है। तो आप बिना देरी के ना फटाफट चलते हैं। तो अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं एचोली से थोड़ा बहुत नीचे, जहां पर भगवान हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही प्यारा सा। और हमारे प्रधान जी की डिमांड यहां पर ये हो जाती है कि भाई यार वीडियो ही कितना बनाओगे, मैं किस लिए आया हूं, एक दो फोटो तो ले लो मेरी। भाई तेरी फोटो लेने के लिए ही तो मैं आया हूँ। या ब्रो फोटो लेते हैं लगता। तो बिरुआ मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहा है, और वो ज्ञान क्या दे रहा है दे भाई, स्माइली फेस के साथ बात किया जाए, और ताकि लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आए भाई, काफी पसंद, और दमदार आवाज होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, स्माइली फेस। या अच्छा, और बाकी आप शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, इतनी बार टोक दिया, इतनी बार मेरे को बहुत बार पहले भी बोल चुका है, और बहुत और लोगों ने भी बोला हुआ है, क्या ऐसे ही मैं ब्लॉग बनाऊं? हां ऐसे बनाओ, इसी जोश के साथ, इसी जोश के साथ होना चाहिए। क्या ये आदमी सही कह रहा है? कमेंट बॉक्स में पिन करो भाई फटाफट से, और जो फर्स्ट कमेंट सही बताएगा ना ₹5 मेरी तरफ से गूगल पे। मैं ही मेरे को कर दे, मैं कह रहा हूँ तू शायद थोड़ा गलत है, मुझे दे दे फिर भाई थोड़ा जो दम दिखाओ, दम दम। तो चलिए अब चलते हैं। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं माँ गुरुना मंदिर के पास, यहाँ पे माता का मंदिर है, और ठीक यहाँ पे ना पानी की ढेर सारी धाराएं देखने को मिल जाती हैं, और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी सी आकृतियाँ बना रखी हैं। तो यहाँ पे है जल देवी की मूर्ति शायद, हाँ मतलब जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ठंडा ठंडा सा पानी हमारे प्रधान जी भर चुके हैं। और क्यों हुआ आप सीन शॉट क्यों बनो जानो? तो यहाँ पे है माता का मंदिर, और यहाँ को देखिए ढेर सारे लाल झंडे और ढेर सारी घंटियाँ बांधी गई हैं। तो भैया गुरुना मंदिर से ऐसी भगाई है ना गाड़ी बिरुआ ने, बिरुआ लाया था बगीरा और मैं बिरुआ की गाड़ी लाया था, और सामने बहुत ही बढ़िया सा गांव देखने को मिल रहा है। ओए दिख रहा है नहीं दिख रहा है? और जो हम लोग भाग भाग के आए हैं ना भाई साहब, मतलब गुरुना मंदिर से नीचे को यहाँ पहुँचने तक गर्म बहुत हो रहा था, क्यों टमाटर जैसा गया। अब यहाँ से मतलब थोड़ा हमारे गाँव वाला माहौल आ गया है, ठंडा ठंडा वाला। तो गुरुना माता मंदिर ना जो आपको सामने रोड दिखाई दे रही है उससे थोड़ा आगे को है कहीं पे। भाई साहब ट्रक वाले इस रोड में सबसे ज़्यादा तेज भगा रहे हैं, और रोड मतलब अच्छी है, और कहीं कहीं पे ये दिक्कत है ना, जैसे लैंडस्लाइड हुआ है ना तो वो आधे रोड तक आया है और वो साफ नहीं किया गया है, मात्र जो ये आपको बीच की सफ़ेद पट्टी दिखाई दे रही है ना वहाँ से यहाँ की रोड ठीक है, वहाँ से ऊपर साइड की रोड जो है उसमें पूरा मिट्टी जमा हुआ है, तो ये वाला सीन यहाँ का थोड़ा सा ख़राब है। फिर से हम लोगों ने एक जंप लिया और पहुंच गए हैं एबट माउंट के, जो कहते हैं ना कि हॉरर प्लेस है करके, बट मुझे नहीं लग रहा कि हॉरर प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। हाँ बट जो यहाँ पे आपको सामने घर दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा बहुत पुराना ज़रूर हो गया, अगर इसका रख रखाव किया जाए ना तो ये बहुत ही अच्छी जगह बन सकती है। वैसे जगह बहुत अच्छी है बट थोड़ा सा इसका रख रखाव करना बाकी है। भूतिया प्लेस है यहाँ तो, भगवान तो कौन कहता था भूतिया प्लेस है, भूतिया वाला नीचे है ना। अच्छा भूतिया वाला, सॉरी ये चर्च है, सॉरी सॉरी ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये चर्च है, ये भूत बंगला वो वाला नहीं है, मुझे लगा था वही वाला है बट ये वो नहीं है, ये चर्च है। और भाई साहब लगा लो न जाने कितने साल पुराना है, लिखा है कहीं पे इसका वो 1942। तो जो ये बिल्डिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है ना, ऐसे देखिए जो ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये 1942 में बनी हुई है, और जो भाई मुझे कब्र से क्या करना है, मुझे पहले ये देखने दे। तो ये 1942 में बनी हुई बिल्डिंग है भाई, और अभी तक जस की तस है। देखिए जो दीवार है ना भाई साहब उसमें कोई भी खराबी नहीं हुई है, बस जो छत है उसमें जो टीन है उनमें थोड़ा बहुत जंग टाइप का लग गया है, बाकी जो
ढांचा है वो शायद जैसा 1942 में बना होगा वैसे का वैसा ही है। तो ऐसी कुछ कारीगरी होती थी पुराने जमाने के जो लोग होते थे ना, जो मिस्त्री होते थे, जो कारीगर होते थे, बहुत ही टैलेंटेड होते थे यार। इसीलिए तो देखो जो ये बिल्डिंग बनाई गई है चर्च की, जस की तस है। और जो चर्च का बैकग्राउंड है वो ऐसा कुछ है, देखिए भाई बहुत ही खूबसूरत सी जगह है यार यहाँ को। और लोग कहते हैं भूतिया जगह है, भूतिया जगह है, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है, बाकी देखते हैं। और जो चर्च बना हुआ है बहुत ही बढ़िया बना हुआ है भाई। एक बार मैं यहाँ से अंदर को आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, वो सारी चीज़ें भी देखते हैं। तो कुछ फर्नीचर है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर फर्नीचर है जो टूट चुका है। तो अब बिरवा कह रहा है कि अब जो ड्रावनी जगह है ना, भूत बंगला क्या है वो, हॉस्पिटल है। हाँ तो बिरवा कह रहा है जहाँ चीड़ फाड़ होती थी वहाँ जाते हैं। भाई ऐसी चीड़ फाड़ वाली जगह मत ले जा, तुम्हें बता रहा हूँ। तो फिलहाल अभी ना यहाँ से ऊपर को थोड़ा रोड ख़राब जैसी है, हमने तो गाड़ी ऊपर ही रख दिया, और यहाँ से नीचे भी रोड ख़राब है, बट ये वाली थोड़ा सीमेंटेड वाला बनाया गया है, शायद यहाँ किसी का कॉटेज वॉटेज होता होगा या फिर कुछ और चीज़ भी हो सकता है। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, हाँ कॉटेज टाइप का कुछ बना हुआ है। और यहाँ पहुँचते पहुँचते मौसम भी ख़राब जैसा हो गया, मतलब धूप का नामो निशान नहीं है, आसमान में पूरे काले बादल छाए हुए हैं। बिरवा न जाने किस धुन में चल रहा है हमारे प्रधान जी। प्रधान जी हेलमेट उतार लो, कोई चार्ज नहीं लगेगा इधर। ये खुद का भी दिखाओ। मैंने भी पहना है, मतलब तू तो कुछ भी कह दे रहा है, बिहाइंड द सीन भी यही बता दे रहा है। पहन रखा है वो क्या, बाल कम हो गए। हाँ जो आज की गर्मी हुई है ना उसकी वजह से है ना। और बिरवा मुझे वहां से कह रहा है स्माइल स्माइल, हाँ मैं हंस रहा हूँ। मैं भूतिया जगह जा रहा हूँ और मैं हंस रहा हूँ। तो जो आवाज आपने सुनी ना वो हमारे बीरू ने निकाली। तो चलिए इसी ड्रावनी सी मजाकिया सी आवाज के साथ आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो अपने यार दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।